इस लद्दाख में भारत और चीन के बीच में अभी भी तनाव और स्टैंड अप की स्थिति है। कुछ बची हुई जगह में डिसएंगेजमेंट, डीएस्केलेशन और डी इंडक्शन अभी बाकी है। इसी बैकग्राउंड में भारत के रक्षा मंत्री ने 12 स्ट्रेटेजिक रोड्स को राष्ट्र को समर्पित किया है। 10 रोड अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर में, 1 लद्दाख और 12वीं जम्मू एंड कश्मीर में रोड का निर्माण पूर्ण हुआ है। वैसे तो काफी समय से भारत का प्लान था कि 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स बनाए जाएं बॉर्डर एरियाज के अंदर में, लेकिन टेरेन, वेदर और जो चुनौतियां हैं उनके कारण काफी स्लो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन पिछले एक साल के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट युद्ध स्तर पर तेज हुआ है और काफी निर्माण किया गया है। ये खास तौर पर सेना के लिए उनकी मोबिलिटी, मनूवर, ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स के लिए एक खास मदद देगा। बीआरओ ने जिस प्रकार से सीमावर्ती इलाकों में सड़कें, ब्रिजेस और टनल बनाए हैं वो काबिले तारीफ है। ये सचमुच में ये जो हम कहते रहे हैं एक्ट ईस्ट, उसी की तरफ एक अच्छा कदम है। अगर बारीकी से देखें तो बीआरओ के बजट में पिछले 7 साल में 3 गुना इजाफा आया है। 2014 से अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो 4,800 किलोमीटर की रोड बनी है और इसके लिए बीआरओ को बहुत एप्रिसिएशन और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, चाइना की तरफ में जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है उसमें बहुत देर से बड़े पैमाने के ऊपर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा था। अभी तो सामने में मीडिया से खबर आई थी कि अरुणाचल की सीमा के पास में एक खास स्ट्रैटेजिक रोड का चाइनीज ने निर्माण किया है उस इलाके में जहां पर ब्रह्मपुत्र भारत पे एंटर करता है। इसके अलावा चाइना ने 100 से ज्यादा जगह में सीमा के पास में नए गांवों का निर्माण किया है। उन्होंने इस इलाके के अंदर में हेलीपोर्ट और तिब्बत के इलाके में काफी विस्तार से रेलवे नेटवर्क और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया है। चाइना की प्लान तिब्बत के इलाके में सिनोसाइजेशन और अपनी पकड़ मजबूत करना है और इसके अलावा उसकी जो भारत को चुनौती दे रहा है उसमें इसको एक प्लान की तरह उनकी सोच है। उन्होंने पिछले एक साल के अंदर में जो तिब्बत में एयरफील्ड है उनको अपग्रेड किया है और उस इलाके के अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी की गई है। सैटेलाइट इनपुट और इंटेलिजेंस से यह भी पता चला है कि उन्होंने इन जगहों के ऊपर में अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स और नेटवर्क भी बनाया है। अवश्य ही चाइना की प्लानिंग के मुताबिक चाइना अपना डेटरेंस, असर्टिवनेस और मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस की तरफ काम कर रहा है। भारत को इन स्थितियों में जिस प्रकार देखा है पिछले एक साल के अंदर में, भारत की अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस और रेडीनेस एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की है। लेकिन सबसे खुशी की बात है भारत ने जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस किया है और इसी के साथ में डिफेंस एक्विजिशंस की है जिससे कि भारत की जो मिलिट्री केपेबिलिटी, कैपेसिटी और स्किल्स है और जो तैयारी है उसमें एक खास इजाफा आया है।